नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। यूपीएससी की तरफ से ईपीएफओ का जो पीए की वैकेंसी निकली है 323 पद के लिए, बच्चे लगातार कह रहे हैं सर इसकी तैयारी कैसे की जाए, क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी रहे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो ये कि लेवल क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे। इस पूरे सेशन में हम लोग पूरी जानकारी जानने वाले हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या आपकी किताबें होनी चाहिए, पीडीएफ आपको कौन सा होना चाहिए, कोचिंग कौन सी ले या सेल्फ स्टडी से काम बन जाएगा, 7 जुलाई को आपका पेपर लगा है, टेस्ट या टेस्ट सीरीज कहां से करें और किस प्रकार से प्रैक्टिस करें। क्योंकि यूपीएससी जो कंडक्ट कराता है पेपर, ये बोला जाता है कि जितना ज्यादा आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लोगे उतने ही ज्यादा फायदे में रहोगे। क्या रहेगा पेपर का लेवल, अलग अलग संस्थान को मैंने देखा है कि अभी सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, ना ही बता पा रहे टोटल क्वेश्चन कितने, कोई 300 क्वेश्चन बता रहा है, कोई 150 क्वेश्चन बता रहा है, जबकि बिल्कुल सटीक विद्रूप जानकारी आपको मैं यहां पे देने वाला हूं। कट ऑफ कितना जा सकता है, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है और क्या हो बेस्ट स्ट्रेटजी, जो रामबाण रणनीति होती है टीम परीक्षा प्लस की तरफ से आपके लिए वो मैं लेके आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ईपीएफओ पीए की संपूर्ण तैयारी ए से लेकर जेड तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही बोल सकते हो जेन्युइन तरीके से आपको टीम परीक्षा प्लस करवा रही है। और इससे पहले भी आपका यूपीपीएससी जो एपीएस के बच्चे रहे हैं स्टेनो से संबंधित, क्योंकि ये वैकेंसी जो है स्टेनो से संबंधित है और ऐसे सारे कैडर के चाहिए, यूपीएसआई मिनिस्ट्रियल की बात किया जाए, एसआई की बात किया जाए, सारे ही स्टेनो पदों पर परीक्षा प्लस एक अलग से ही नाम है और आपको ये पता है। और जो बच्चे पुराने होते हैं ना, आप लोग वीडियो देखो तो कमेंट अवश्य बता दिया करो, फीडबैक जरूर दे दिया करो, क्योंकि जो नए बच्चे आते हैं वो ये बोलते हैं कि आप बस बोलते हो आपको कहां है एपीएस वाले बच्चे, इतना सिलेक्शन आपने दिया है कहां पे है, तो वो चीज आप लोग बताया करो भाई स्टेनो वाले। आगे हम लोग आते हैं मेन चीज। सबसे पहली बात तो बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर इसका बैच क्या होगा। मैं आपको बता दूं, जहां पे अन्य संस्थान 6,000-7,000, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, आप जाइए, मैं सीधा बोलता हूं कि सारे यूट्यूब पे सारे चैनल पे जाइए, उनसे फीस पूछिए, 6,000-7,000 का बैच जहां पे दे रहे टीम परीक्षा प्लस मात्र 8,000 मतलब 1,000 के आसपास आपको मिलेगा, हालांकि ऑफर में बाद में 2,000 का बैच हो जाएगा अभी 4-5 दिन बाद। ईपीएफओ पीए पर्सनल असिस्टेंट का है, इसमें आपको क्या मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, वैलिडिटी एग्जाम, हालांकि ये बातें मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं कि क्या आपके लिए जो ये सेशन है वो कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ये वो सारी किताबें जो आपको कोर्स में मिलने वाली है इसकी बातें बाद में करेंगे। आते हैं सबसे पहले ये जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ यूपीएससी ईपीएफओ ईओ एओ। आप बोलोगे सर पीए की बात है तो ईओ एओ की बात क्यों कर रहे हैं, ईओ एओ की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यूपीएससी ही ईओ एओ की करवाता है और ये ईपीएफओ की वैकेंसी है। एक बीच में ये लगातार कराता आ रहा था, बीच में एक असिस्टेंट का भी पद आया था जिसे बैंकिंग पैटर्न पे हुआ था, बट फिर से अब पीए का जितने भी पद हैं और खासकर यूपीएससी की बात किया जाए तो केवल ईपीएफओ नहीं, जितने भी विभाग हैं सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के जो असिस्टेंट टाइप के पद होते हैं या जो ग्रेड बी टाइप के पद होते हैं जहां पे 50, 100, 150 पद निकलते हैं, वहां पे यूपीएससी को ही दिया जाता है कि आप कंडक्ट कराओ। और हर जगह वो 300 मार्किंग के, 1/3 निगेटिव का, 2 घंटे का ड्यूरेशन का वो पैटर्न देते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बहुत अच्छे से जांचोगे तो आपको कुछ वहां पे मिलेगा और वही मैं जांच के आपके लिए लेके आया हूं। एक एक चीज आपके लिए कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है यूपीएससी की तरफ से वो किस प्रकार से रहता है और किस प्रकार से होने वाला है, ये मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से निकाला है जो उनके द्वारा ईपीएफओ की तमाम वैकेंसीज के लिए कराया गया है, और ये 33 पोस्ट जो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का है उनके लिए कराया गया है। ये सारे के ही पीडीएफ के क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको इस जो बैच में है अपलोड करवा दूंगा, ताकि आप इसके साक्ष्य जो है उसकी प्रमाणिकता भी आप अच्छे से देख पाओ। अब आते हैं बात की, अभी देखा जाए तो आपका जो पीए का जो आरटी होना है 300 नंबर का होना है, और उसने स्कीम क्या बताया कि 2 घंटे का पेपर होगा और सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होंगे, टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप ये होगा, और इन्होंने बोला है कि पेपर का लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी मीडियम में रहेगा, 2 मीडियम में रहेगा, और जो रॉन्ग आंसर रहेंगे उनका 1/3 नेगेटिव भी रहेगा। आप यही नहीं, आप किसी का भी देखोगे, आप यूपीएससी जो भी कराता है सब में वो कुछ ऐसा ही स्कीम निकालता है, ईओ एओ में भी ऐसा ही निकाला था। स्कीम मैंने लिखा केवल सिलेबस लिखा, सिलेबस इसलिए लिखा क्योंकि पेपर का उस डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पे निकाला है, इस कारण मैं अभी आपको दिखाता हूं ये एग्जैक्टली है क्या, बिल्कुल पेशेंस के साथ इसे आप लोग देखते आइए। अब इन्होंने सिलेबस में क्या कहा, सिलेबस में कहा है इन्होंने कि इंग्लिश लैंग्वेज पूछेंगे और उसके बाद जो पूछा जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ आपका इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, क्वांट पूछा जाएगा, और रीजनिंग के साथ ये क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर पूछा जाएगा। अब सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि ईपीएफओ का जब जब पेपर होता है तो ये लेबर लॉ हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, या फिर ऐसे
फैक्ट्री लॉ हो गए, इनसे संबंधित, क्योंकि ईपीएफओ क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ही है, और इनसे संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है। लेकिन यूपीएससी ने सिलेबस में इन्होंने केवल जनरल अवेयरनेस लिखा है, इसके बारे में जिक्र नहीं किया है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसे क्वेश्चन फिर से देखने को मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे ईपीएफओ का ही जो आपका ईओएओ का पेपर था या इससे संबंधित किसी का भी मैं आपको यहाँ पे सिलेबस दिखाऊं, तो सबके सिलेबस में ये देखो इंग्लिश तो इन्होंने लिखा है, उसके बाद जीएस को इन्होंने ओपन किया, इंडियन कल्चर हेरिटेज फ्रीडम मूवमेंट पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद अकाउंटिंग ऑडिटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन लेबर लॉज और इंश्योरेंस, यहां से इन्होंने अलग टॉपिक दिया है। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जनरल साइंस एलिमेंट्री मैथ्स और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, और इसी तर्ज पे इन्होंने क्या बनाया है, इसी तर्ज पे पेपर भी बनाया है, जिसका मैंने डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे निकाल के दिया है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, ये मैं केवल ईपीएफओ जो ईओएओ की है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, यूपीएससी के द्वारा कराए गए तमाम जितने भी, वो चाहे किसी लॉ डिपार्टमेंट का कराए, किसी भी से कराता है, तो वो क्या करते हैं, वो 300 मार्क्स ही बताते हैं और उसका दो घंटे बताते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है ना, अगर आप एनालिसिस पे करोगे, मैंने देखा है कि लोग जो संस्थान है वो बहुत जल्दी जल्दी में वीडियो बना दी, उनको एग्जैक्टली पता, थोड़ा सा एनालिसिस में क्यों ये वीडियो लेट में लेके आ रहा हूं, इसलिए लेके आ रहा हूं ताकि मैं एनालिसिस आपको अच्छे से कर पाऊं। अभी आपका जो पैटर्न रहने वाला है बेटा, वो 120 क्वेश्चन का रहने वाला है, और आपको ये बोलोगे सर मैं आपकी बात पे यकीन कैसे करूं, आप मेरी बात पे यकीन बिल्कुल मत करो, आप यूपीएससी के वेबसाइट पे जाओ, वहां के उनके प्रीवियस ईयर आर्काइव्स पे जाओ और कीवर्ड से सर्च करो आप असिस्टेंट या ईपीएफओ की कोई पेपर, और वहां से जब आप यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से सर्च करोगे तो सारे ही पेपर जो 300 नंबर के हैं, जो दो घंटे के कराए गए हैं, जो 1/3 निगेटिव है, उनमें 120 क्वेश्चन दिया गया है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का होगा और इसका 1/3 निगेटिव होगा, मतलब कि 0.833 जो आपका होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका निगेटिव रहने वाला है। तो आपका पॉजिटिव जो मार्क्स होगा 2.5 एक क्वेश्चन का रहेगा और जो निगेटिव रहेगा वो 0.833 के आसपास, 2.5 का 1/3 कर लीजिए जो भी आएगा वो आपका रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सिलेबस में जो बताया गया है बेटा, वो ये स्कीम तो ये बता दिया गया है और सिलेबस में केवल ये 4 टॉपिक दिया गया है, तो 4 टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन कितने होंगे, अगर सारे मैंने जितने भी पेपर को एनालाइज किया है, उन्होंने सिलेबस में जितना जिक्र किया लगभग इवनली डिस्ट्रीब्यूट सब में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, और सेम आपका यहाँ पे भी होने वाला है। मतलब अगर 120 क्वेश्चन आपसे पूछेगा यूपीएससी, तो 120 क्वेश्चन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने में 30-30 क्वेश्चन ये सबसे पूछेगा। लेकिन जनरली अगर आप देखो, तो इंग्लिश के यूपीएससी जो पेपर कंडक्ट कराता है पार्ट ए पार्ट बी में कराता है, पार्ट ए में इंग्लिश रखता है और कई जगह पार्ट ए पार्ट बी नहीं कराता, रैंडमली ही रखता है, पूरा 1 से 120 क्वेश्चन सफर्ड होते हैं, मिक्स होते हैं, लेकिन उसमें भी क्वेश्चन जो इंग्लिश के होते हैं वो 20 ही क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश में पूछता क्या है, इंग्लिश में वो वोकैब और ग्रामर दोनों ही पूछता है। ग्रामर में क्या पूछता है, जैसे आपसे फिलर पूछ लिया, जैसे आपसे करेक्शन पूछ लिया, ये दो चीजें ग्रामर में पूछता है, बाकी मेनली पोर्शन वोकैब रहता है। वोकैब में जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम्स एंड फ्रेजेस, इन टॉपिक से क्वेश्चंस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं और आपके भी पेपर में यही रहने वाला है। अब रही बात जनरल अवेयरनेस, क्योंकि यूपीएससी करा रहा है तो जो पेपर के लेवल का क्वेश्चन होता है कि पेपर का लेवल क्या रहेगा, बेटा बिल्कुल ये यूपीएससी लेवल का रहेगा, अगर आप इससे कम में आपके चलोगे तो अपने आप धोखा करोगे, अपने आप गलत करोगे, क्योंकि जो ये आपकी वैकेंसी है ये बी ग्रुप बी ग्रेड बी लेवल की आपकी वैकेंसी है, ग्रुप बी लेवल की वैकेंसी है, भले ही गेस्टेड नहीं है लेकिन पर्सनल असिस्टेंट, मतलब आप समझते हो सारे उच्च अधिकारियों के असिस्टेंट, मतलब कि ये बहुत बड़ा पद है, बहुत अच्छी सैलरी है और यूपीएससी इसके पेपर के लेवल बनाने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतेगी, तो पेपर का लेवल बहुत बेहतरीन होने वाला है और यूपीएससी के ट्रेंड पे रहने वाला है। जब यूपीएससी के ट्रेंड की बात करते हैं तो मैथ्स भी इतनी आसान नहीं पूछी जाती, रीजनिंग भी इतनी आसान नहीं पूछी जाती, हालांकि कंप्यूटर जो आपका एप्टीट्यूड है ये आपका इजी पूछा जाएगा क्योंकि यूपीएससी कंप्यूटर के साथ प्लेटफेयर नहीं करता, यहां पे इजी पूछा जाएगा, बाकी और इंग्लिश भी आपका क्या होगा, इंग्लिश भी आपका इजी पूछा जाएगा। तो आपके पेपर में दो पोर्शन आपका इंग्लिश और कंप्यूटर इजी रहने वाले हैं, बाकी जनरल अवेयरनेस क्वांट आपके क्या होंगे, कठिन होने वाले हैं। क्वांट फिर भी आपका डुएबल रहेगा, लेकिन तब जब आपका इसका क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा,
अभी ये बोलो कि बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनका क्वांट कहीं ना कहीं कमजोर रहता है, तो उन बच्चों के लिए मैथ में दिक्कत होने वाली है। बट जितना मैं आपको पढ़ा दूंगा, जितना मैं बता दूंगा, अगर आप उतना कर लोगे तो क्वांट में आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं आएगी। और इस पेपर से ये स्कोरिंग पार्ट है, क्वांट वाले सेक्शन से आप स्कोर कर सकते हो। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब भी आप किसी बेटा पेपर की तैयारी करते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आती है कि सर हम कितना स्कोर करें। 120 क्वेश्चन है, 2.5 नंबर का है ना। अगर यहां पे देखा जाए तो एक क्वेश्चन 2.5 नंबर के हैं और 300 मार्क्स का आपका पेपर है, इसमें कितना लाना है। तो बेटा ये यूपीएससी है, ये आप भले ही 323 पद है, सबसे पहली बात तो इसमें जो फॉर्म पड़ेंगे वो मेरा अनुमान है 6 से 7 लाख के बीच में पड़ेगा। जब लास्ट में आएगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, ये अनुमान है और लगभग इतना, मेरे अनुमान कभी इतना गलत भी नहीं होता, लगभग इतना जाएगा। तो 6 से 7 लाख फॉर्म पड़ेंगे 323 पद के लिए। इसका मतलब कि जो आपका कॉम्पिटिशन रहने वाला है वो सिमिलरली यूपीपीएससी या यूपीएससी जैसे रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे केवल जब फॉर्म भरने में जो मांगा गया है, फॉर्म भरने में केवल स्टेनो मांगा गया है। अब रही बात की यहाँ पे जो मैं 6 से 7 लाख बोल रहा हूँ, स्टेनो जो फैक्टर है, अगर स्टेनो ना मांगा होता तो 6-7 लाख से एक भी कम नहीं होगा। अब जब स्टेनो मांग लेता है तो ध्यान देना कि वो 6-7 लाख फॉर्म ना पड़ के हो सकता है 1.25 से लेके 2 लाख के बीच में फॉर्म पड़े, ये आप ध्यान देना। अगर स्टेनो का सर्टिफिकेट मांगा होता तो ये फॉर्म और कम होते, लेकिन क्योंकि यहां पे स्टेनो का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस हिसाब से फॉर्म डालेंगे कि स्टेनो चलो हम बाद में सीख लेंगे। पेपर की जो डेट आपकी है वो 7 जुलाई, पेपर की जो डेट दी गई है वो 7 जुलाई दी गई है, और जो स्टेनो की डेट होगी वो लगभग 7 अगस्त से सितंबर महीने में होगा। मतलब स्टेनो के लिए आपको कितना समय मिलने वाला है, स्टेनो के लिए आपको 7 से 8 महीने मिलने वाले हैं, या मान के चलो 6 महीने हार्डली मिलने वाले हैं। और अगर आपको पेपर की बात किया जाए तो जो आरटी पेपर है, जो आपका रिटन पेपर है, उसमें आपको कितना समय मिलने वाला है, तो उसमें आपको मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई, यानी कि आपका मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई से जून, जून से जुलाई, 4 महीने एग्जैक्टली जब से फॉर्म ओपन किया है तब से लेके 120 दिन, मतलब 4 महीना दिया है। और ज्यादा से ज्यादा 2 महीने और स्टेनो को दे देगा तो 6 से 7 महीना हार्डली लेके चलो, इससे ज्यादा समय स्टेनो को नहीं मिलने वाला है। अब ऐसे बच्चे जो स्टेनो सीख रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल सीखे नहीं है, जिन्हें स्टेनो का एस नहीं पता, जिन्हें स्टेनोग्राफी नहीं पता, जिन्हें शॉर्ट हैंड का मतलब नहीं पता, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। इस बात को मैं क्लियरली बता रहा हूं, बाकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड कर रहा है, जिस हिसाब से करो वैसे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में जो फॉर्म जाएगा 323 पद पे, और भले ही आपके स्टेज वन में क्या हो थोड़ा सा कॉम्पिटिशन हो, बट स्किल में बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं तो वहां पर कॉम्पिटिशन लेवल नीचे आएगा, इस हिसाब से देखा जाए। दूसरी बात, पेपर का लेवल जो रहता है वो हमेशा मॉडरेट टू टफ, यूपीएससी है तो मैं इसे इजी तो नहीं बोलूंगा, ये मॉडरेट टू टफ लेवल का रहेगा पेपर। और इस हिसाब से अगर स्टेनो के पार्ट को ले लिया जाए और अगर मॉडरेट टू टफ यूपीएससी पैटर्न को ले लिया जाए तो जो आपका जो कट ऑफ जाने वाला है वो मेरे ख्याल से लगभग 60% अगर आप स्कोर कर लेते हो तो बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। और जितने भी स्कैडर की वैकेंसीज हैं अगर आप पुराना इतिहास उठा के देखोगे तो यही मिलेगा। मतलब जो आपका कट ऑफ, जो एक एम, जो लक्ष्य बनाना चाह रहे हो कि हम कहां तक अपना निशाना साधे, वो आपका लगभग 60 से 65% बनाओगे तो आप सेफ स्कोर में भी आ जाओगे। और 120 क्वेश्चन का 60% मतलब कि आप 70 से 75 क्वेश्चन के बीच में अगर करके आते हो 120 क्वेश्चन में तो ये गुड स्कोर रहेगा। मार्क्स वाइज जोड़ लो तो आपका 180 नंबर अगर 300 में से पाते हो तो वो सेफ स्कोर रहेगा। बट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन लेवल ऑफ पेपर, कि पेपर का लेवल क्या है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज, नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने पड़े हैं उस पर डिपेंड करेगा। और दोनों ही अभी अनप्रेडिक्टेबल हैं, मतलब कि इनका प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। सो इट्स ओनली अप्रोक्सीमेशन, इसे आप केवल दिमाग में आइडिया लेके चलिएगा। तो रही बात कट ऑफ की, सेफ स्कोर की मैं आपको बता दिया, पैटर्न भी मैं आपको बता दिया, वेटेज भी मैं आपको बता दिया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम सर इतना करेंगे कैसे, इतना लाएंगे कैसे। अगर आपको मैं बोलूं कि इस स्कोर तक पहुंचना है तो बहुत आसानी से आप पहुंच भी सकते, जैसे एक बहुत बढ़िया रणनीति आप समझो। मैंने क्या बोला, इसमें कुछ पार्ट आपके इजी आने वाले हैं और मैं मान के चलता हूं कि यहां पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट पेपर पूछेगा, मतलब ना किसी से कम ना किसी से ज्यादा। जनरली ऐसा होता है इंग्लिश के 20 पूछेगा तो जनरल अवेयरनेस का पार्ट आपका बढ़ा सकता है, रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों एक साथ दे दिया तो हो सकता है इस पोर्शन में बढ़ जाए 40 क्वेश्चन यहां से और 40 क्वेश्चन यहां से, बाकी 20-20 क्वेश्चन मैथ्स और इंग्लिश, एक पैटर्न ही बन सकता है, बट टोटल क्वेश्चन 120 होगा ये कंफर्म है। जो भी हो, आपका इंग्लिश जो है, इंग्लिश आपका इजी रहेगा, यहां से आप स्कोरिंग है ये आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और खासकर ऐसे बच्चे जो अंग्रेजी भाषा क्षेत्र से हैं, इंग्लिश मीडियम
मीडियम से उनके लिए बहुत अच्छा है। हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अगर आप वोकैब सर्वेश सर आपको जितना करवाएंगे क्लास में वो वोकैब अच्छे से कर लो। वोकैब का भी मैं टाइम टेबल भी दिखा रहा हूँ, सुबह 9:30 बजे से आपको स्पेशल वोकैब के भी क्लास देंगे, तो वहां से भी कवर करते रहोगे तो इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है, इसके बारे में मैं अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि ये यूपीएससी है। कितना भी पढ़ लो जनरल अवेयरनेस में सिक्योरिटी आप कभी नहीं ले सकते हो। यूपीएससी को कोई जनरल अवेयरनेस में पीछे नहीं कर सकता, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई संस्था नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान देना। तो अभी रुको, यहां पे अगर देखा जाए तो ये मॉडरेट लेवल का आएगा और ये भी स्कोरिंग पार्ट है। और अगर हम लोग बात करें कि रीजनिंग और कंप्यूटर तो ये इजी टू मॉडरेट लेवल का रहेगा और ये भी आपका क्या है स्कोरिंग पार्ट है। मतलब अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप सबसे ज्यादा फोकस रीजनिंग कंप्यूटर क्वांट और इंग्लिश पे करोगे। अगर क्वांट आपका मैथ्स कमजोर है तो आप रीजनिंग कंप्यूटर और इंग्लिश इसके एक भी क्वेश्चन मत जाने दो। बाकी जनरल अवेयरनेस में क्या पूछेगा उसको मैं आपको बता दूं, यूपीएससी है तो जनरल अवेयरनेस मतलब ऐसा नहीं कि वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, यूपीएससी का क्वेश्चन बनाने का तरीका नहीं है कि अगर ज्योग्राफी है तो वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा। आप किसी क्वेश्चन को उठाओगे यूपीएससी के तो उसी क्वेश्चन में ज्योग्राफी भी पूछेगा, उसी क्वेश्चन में उसकी इकोनॉमिक्स भी पूछेगा, उसी क्वेश्चन में उसका इतिहास भी पूछेगा, उसी क्वेश्चन में उसका संविधान भी पूछेगा। मतलब एक ही क्वेश्चन में सब कुछ वो पूछ लेता है, वो होता है यूपीएससी। और ऐसे ही आपका जनरल अवेयरनेस है सो आप इसमें यह नहीं बोल सकता कि कहां से पढ़ो और कहां तक पढ़ो। तो आपको जनरल अवेयरनेस में यह कोशिश करना है कि 40-45% स्कोर आप कर ही ले जाओ। और अगर आप बेसिक नॉलेज रखते हो, कॉन्सेप्ट मजबूत रखते हो तो यूपीएससी इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट मजबूत रखते हो तो मान के चलो कि आप यहां पे 40% आराम से डुएबल है, आप स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपको यहां तक पहुंचना है, क्योंकि अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें, मान लो इसमें 30 में 30 अगर आप स्कोर कर ले जाते हो, इंग्लिश में 25 स्कोर कर ले जाते हो तो 55, और अगर आप क्वांट में 10-15 क्वेश्चन कर पाते हो तो आपका हो जाएगा 70। बाकी जनरल अवेयरनेस में जितना आप कर पाओ वो आपका रहेगा। मैं कह रहा हूं 25 क्वेश्चन कर ले रहे हो तो आपके 95-100 क्वेश्चन पहुंच जाओगे। 10% एक्यूरेसी में ले लूं मतलब 10 क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाएगा तो भी आप 80 क्वेश्चन करोगे। 80 क्वेश्चन का 1/3 अगर हटा दिया जाए, मतलब 3 क्वेश्चन और हटा दिया जाए, तो आपने 95 से 100 के बीच में अटेम्प्ट करके आए, उसमें से 13 क्वेश्चन अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका बचेगा कितना 88 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन, और फिर भी आपका क्या रहेगा, आप सेफ स्कोर जोन में रहोगे, सिलेक्शन के जोन में रहोगे। तो ये आपकी क्या होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि सर यूपीएससी है, इसका मटेरियल कहां मिलेगा, कहां से हम पढ़े, किताबें क्या होनी चाहिए, पीडीएफ क्या होनी, नोट्स क्या होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात आपकी सबसे बड़ी बात आपकी ये बोला जा रहा है कि आखिर हम इसका कंटेंट जो है वो कहां से लें, इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखते हैं। तो बेटा उसके लिए परेशान नहीं होना है, आपके लिए टीम परीक्षा प्लस में एक बेस्ट टीम, द टीम जो है बेस्ट टीम आपके लिए दे रहा हूं। मैथ्स आपको मैं खुद पढ़ा रहूंगा और इस बात की गारंटी रख रहा हूं कि आपको मैथ्स का एक भी क्वेश्चन जितना मैं पढ़ा दूंगा उतना कवर कर लोगे तो कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा और सबसे अच्छा स्कोर मैथ्स में करके आओगे। रीजनिंग और कंप्यूटर आपको आशीष सर पढ़ा रहे होंगे, कंप्यूटर से एमटेक है और रीजनिंग बहुत बेहतरीन है, तो इनसे अच्छा मैं खुद बोलता हूं अगर मुझे कंप्यूटर पढ़ना हो तो मैं आशीष सर से पढ़ूंगा, इतना बेहतरीन पढ़ाते हैं। और ये सारे बच्चे जो कंप्यूटर से पढ़े वो जानते हैं और वो कमेंट में बताएंगे भी आपको। रीजनिंग सॉरी पॉलिटी जीएस के पार्ट में पॉलिटी रमन सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश आपको सर्वेश सर पढ़ाएंगे, वोकैब्स और ग्रामर दोनों पोर्शन देखेंगे, फहीम सर आपको हिस्ट्री और एनवायरनमेंट पार्ट देखेंगे, नवीन सर आपका ज्योग्राफी प्लस साइंस पार्ट देखेंगे, प्रियंका मैम आपका करंट प्लस स्टैटिक प्लस जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट देखेंगी, और मनोज सर आपके इकोनॉमिक्स वाला पार्ट देखेंगे। तो इस हिसाब से आपकी पूरी टीम क्या होती है, कंप्लीट होती है और पूरी यूपीएससी के ईपीएफओ पीए के सिलेबस को कवर करने वाली ये सबसे बेहतरीन टीम है। टाइम टेबल आपका क्या रहेगा, टाइम टेबल आपका देखो 12 बजे हम रोज क्लास नहीं चलाएंगे, हम आपको सैटरडे संडे में थोड़ा सा ज्यादा बेहतरीन क्लास देंगे। जैसे 12 बजे 12 से लेकर 2-3 घंटे की हिस्ट्री की क्लास आपको शनिवार को मिलेगी और रविवार को आपको करंट स्टैटिक स्पेशल क्लास मिलेगा। बाकी जो आपके मंडे से फ्राइडे हैं उसमें 2 बजे ज्योग्राफी की 3 दिन, 3 दिन पॉलिटी चल रही है, 3 बजे आपको मैथ्स में खुद पढ़ा रहूंगा, और ये क्लासेस चल रही हैं, आज से ही चल रही हैं, ये क्लास आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इंग्लिश आपको सर्वेश सर पढ़ा रहे होंगे 3 दिन, यहाँ पे 4 बजे पूरा आशीष सर का पार्ट है, कंप्यूटर प्लस रीजनिंग वाला पार्ट है, और ये 10 है इसे 9:30 की टाइमिंग रखा गया है, ये 9:30 AM पे आपका वोकैब फिर से सर्वेश सर इंग्लिश वाले पोर्शन में नंबर स्कोर बढ़ाने के लिए कर रहे होंगे। तो आपका इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, और ये सारे पोर्शन जीएस के हो गए, कंप्लीट सिलेबस आपका इतना बढ़िया टाइम टेबल डिजाइन किया गया है। तो आप मंडे से लेके अगर आप 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 3 घंटा ये और फ्राइडे सॉरी सैटरडे और संडे में 3-3 घंटे और एक्स्ट्रा दे दोगे तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा,
आप मान के चलो कि वीक के सातों दिन तीन तीन घंटे अगर आप दे रहे हो तो एक वीक में आप 21 घंटे दोगे, आपके पास देखा जाए तो 12 हैं और 12 गुणे 21 करोगे तो आपके पास कम से कम 420 घंटे मिलेंगे, 420 घंटे ये, बाकी वो कैप, इसके अतिरिक्त प्रैक्टिस, इसके अतिरिक्त सारी चीजें आप कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। अब रही बात सर, ये तो आपकी क्लास वाली बात हो गई, हमने किताबें कैसे बढ़ेंगे, तो किताबें के लिए बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी किताबें हैं स्पेशली यूपीएससी ईपीएफए के लिए पीए के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, जनरल अवेयरनेस, जैसे जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है ये पूरी किताब, इसमें जनरल अवेयरनेस की अलग अलग किताब होंगी, हिस्ट्री की अलग होगी, ज्योग्राफी की अलग होगी, ठीक है, इसमें ऐसे आपका पॉलिटी की अलग किताब होगी, और ये दोनों ही मीडियम में होगी, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अलग अलग किताब होंगी। अभी मैं आपको इसका डेमो भी दिखा देता हूं, और यही साथ में आपका कुछ स्पेशल टॉपिक, क्योंकि यूपीएससी ईपीएफओ करा रहा है, उसने सिलेबस को डिस्क्लोज नहीं किया है, तो एक चीज हम लेके चलेंगे कि हो सकता है कि लेबर ला हो गया, फैक्ट्री ला हो गया, या फिर ट्रेड यूनियन हो गया, इन सबसे क्वेश्चन वो कुछ ना कुछ रखेगा। मैं कह रहा हूं ऐसा 10 क्वेश्चन रख दे तो हम उस क्वेश्चन को गवाएं क्यों, इस कारण से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि ये चांस मात्र है, उन क्वेश्चंस को उठाएंगे, उनके बिहाफ पे आपका पूरा इसका प्रैक्टिस करवा देंगे, पूरा आपको समझा दिया जाएगा कि वहां से क्वेश्चन आए तो आप उस 10 में से 7-8 क्वेश्चन कर ले जाओ, कोई रोक ना पाए। उसके बाद रही बात कंप्यूटर, तो ये आपकी कंप्लीट किताब रहेगी, बहुत बढ़िया किताब है। ऐसे ही आपका मैथ्स, तो मैथ्स में पूरा आपको मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा, सारे चैप्टर्स का दूंगा। ऐसे ही आपका इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में आपका वोकैब की बुक अलग रहेगी, इसमें दो किताबें आपकी आएंगी, एक आपका वोकैब बुक आएगा अलग से जो स्पेशली ईपीएफओ यूपीएससी के तर्ज पे बनाया जा रहा है, और एक आपका क्या रहेगा, एक आपका जो ग्रामर की किताब रहेगी ये रहेगी, ठीक है। साथ में ही आपका जो रीजनिंग का भी मैथ्स की तरह आपका क्या रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा, ढेर सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने रहेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट आप क्लास में पढ़ रहे होंगे। तो ये रही किताबें, आप कोर्स कहां से ले सकते हो, आपको कोर्स लेना है तो कोर्स आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाएंगे और परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, वहां से आपको मिल जाएगा, या आप live.parikshaplus.org यहां पे वेबसाइट पे जाएंगे, यहां से भी आप लॉगिन करेंगे तो आप क्या होगा, या रजिस्टर करेंगे अगर लॉगिन नहीं है, कोर्सेज में जाएंगे आपको ईपीएफओ पीए दिखेगा, वहां पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ जब कर लेंगे तब आपका क्या आएगा, तब आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। मैं इसलिए इसे ओपन किया हूं कि एक बार मैं आपको एक बार डेमो दिखा दूं कि किस प्रकार के आपको नोट्स मिलने, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें देखना चाहते हो कि ये किस प्रकार से, अगर यहां पे देखा जाए तो ये डेमो की पीडीएफ है, ठीक है। डेमो के बेटा मैं आपको दिखा देता हूं कि सारे सब्जेक्ट की किस प्रकार से आपको यहां पे चीजें मिलने वाली हैं। एक बार ये डाउनलोड हो रहा है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल निश्चिंत होके आप अक्सर हमेशा बोल रहे हो सर कब इसके कोर्स के बारे में बताएंगे, कब कोर्स के बारे में बताएंगे, तो बेटा मैं कोर्स के बारे में अलग से बताऊंगा, वर्सेस वीडियो में आपको इतना समझा दे रहा हूं कि ये आपका जो रहेगा ये आपका कोर्स मात्र 899 जीएसटी में बहुत बेहतरीन कोर्स आपको मिलने वाला है। जो पीडीएफ अभी आपकी डाउनलोड हो रही है आप डाउनलोड कर सकते हो, आप परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या हमारी जो डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो उसका लिंक मिलेगा और वहां से कर सकते हो। ये बहुत अच्छी किताब आपके लिए किया गया है, डेमो पर्पस से रखा गया। जैसे आप इंग्लिश देखोगे तो ये वोकैब बुक है, यहां पे आपको वर्ड मीनिंग सिनोनिम्स वगैरह हो गया, एंटोनिम्स वगैरह हो गया, ये आपका यहां से कवर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप देखोगे, अगर ऐसे ही देखोगे तो नेक्स्ट पेज पे ये आपका जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, ये ग्रामर का, इंग्लिश का ग्रामर का पार्ट हो गया। ऐसे ही मैं आपका जीएस भी दिखा देता हूं, सारी चीजें आप अच्छे से देख लो, 2 मिनट का टाइम और लगा लो ताकि आप डेमो यहां पे अच्छे से देख लोगे तो सब कुछ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। ये आपकी क्या है, ये आपकी पूरी इंग्लिश का डेमो शुरुआत में लगा हुआ है। ऐसे ही नीचे आएंगे तो आपका जीएस वगैरह का भी डेमो लगा रहेगा और आप उसे अच्छे से देख लेते हो, देख लोगे तभी आप करो। ये जैसे रीजनिंग का है, रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइलिंगुअल में आप देखोगे तो ये बाइलिंगुअल में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप इसे देख सकते हो। साथ में ही अगर बात किया जाए तो ऐसे क्वांट मैथ्स का भी मिलेगा और ऐसे ही जीएस के भी सारे पार्ट आपको मिलेंगे, और जो आपका स्पेशल पार्ट में बता रहा हूं जैसे जो ईपीएफओ स्पेशल है, जैसे ट्रेड यूनियन की बात हो गई, जैसे आपका लेवल ऑफ फैक्ट्री ला हो गया, उन सबका मैं एमसीक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा। ये थोड़ा सा क्योंकि पीडीएफ बड़ी होगी, 35 पेज की है, थोड़ा सा डाउनलोड होने में समय ले रही है, रिफ्रेश पेज होने में, तो ये आप जाके ऐप पे खुद ये डेमो देख सकते हो, उसमें कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये अगर आप देखोगे तो ये मैथ्स का प्रैक्टिस सेट है, अगर मैथ्स का प्रैक्टिस सेट देखोगे तो ये आपका मैथ्स का, हाँ, मैथ का प्रैक्टिस सेट है, इसमें भी बाइलिंगुअल क्वेश्चन है और जिस प्रकार से आपका यूपीएससी पूछता है उसी प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा पीडीएफ क्या किया जा रहा है, ये पूरा का पूरा आपका बुक तैयार किया जा रहा है। ऐसे ही नीचे आएंगे तो आपको जीएस के भी यहाँ पे क्या मिलेंगे, कंटेंट मिलेंगे। तो कहां से आपको जोड़ना है, आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड किए होंगे, आप सीधा कोर्सेस में जाओगे, पेड कोर्सेस में आपको सबसे ऊपर ईपीएफओ पीए दिखेगा और वहां से आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। जो बच्चे ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं वो कहां से, वो गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और
जो बच्चे नहीं ऐप से कर रहे हैं अगर वेबसाइट से लगाते हैं तो live.parikshaplus.org से जाके वहां पे कर सकते हैं। तो ये पूरा अभी अभी तो मैथ ही चल रहा है, मैं जीएस भी दिखा दूं, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। बाकी मैंने देखा है कि बहुत सारी संस्थाएं जो है वो ईपीएफओ के पैटर्न के बारे में ही नहीं एक्सप्लेन कर पा रही है, बहुत सारी चीजें जो उनके अब बोल सकते हैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, एक आप डीप एनालिसिस करते हो तो आपको सारी चीजें मिल जाती है। रही बात ये आपका कंप्यूटर का, ये आपका कंप्यूटर का है, एक बात समझिएगा। अब यहाँ पे एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आपका ये रहता है, क्या सर मैं आपके कोर्स से जुड़ जाऊं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? मैं बोलूंगा नहीं, बिल्कुल केवल कोर्स से जुड़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, अगर आप मेरी एक बात मानोगे कि मैं आपसे बोलूं कि मैं जितना हमारी टीम मेहनत करवा रही है इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जो आपके पेपर में आएगा वो कोई भी क्लास से, नोट से और टेस्ट से सब मिला लिया जाए तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी करते हैं। अगर आप हमसे प्रॉमिस कर लोगे कि नहीं सर आपसे मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप जितना पढ़ा दोगे उतना सब मैं पढ़ लूंगा, तो इस बात की गारंटी है कि आपका सिलेक्शन फिर कोई रोक नहीं सकता है मात्र कोर्स से जुड़ जाने से। फिर ना क्लास लो, उसके बाद ना पीडीएफ पढ़ो, ना नोट्स पढ़ो, इससे सिलेक्शन नहीं होता है। मेहनत करोगे तो सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। आपको हमारे अनुसार जितना हम आपसे वादा करते हैं कि दिन रात एक कर देंगे, कि चार महीने बिल्कुल रगड़ देंगे, जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे उस दिन एक एक क्वेश्चन बोलेगा कि हाँ ये परीक्षा प्रश्न पढ़ाया गया था, हाँ ये आलोक सर ने पढ़ाया था, हाँ ये आशीष सर ने पढ़ाया था, ये रमन सर ने पढ़ाया था, सर्वेश सर ने पढ़ाया था, ये हमारे फहीम सर पढ़ाए थे, ये सारे के सारे आप ये बात याद आएगी। लेकिन आपको उसे पढ़ना पड़ेगा और एक नहीं मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ने से केवल सिलेक्शन नहीं होता है, जितनी बार आप उसे पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आप क्या रहेगा लक्ष्य के नजदीक रहोगे। तो ध्यान रहे 120 क्वेश्चन का पैटर्न है, 2 घंटे का पेपर है, 4 महीने की मेहनत है। बाकी जो बच्चे स्टेनो सीखे हैं वो अपनी प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो बच्चे नहीं भी स्टेनो सीखे हो या नहीं आता अभी सीख रहे हो वो भी आप फॉर्म अप्लाई करके इससे क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। ये आपकी ज्योग्राफी की पीडीएफ है, ये हिंदी मीडियम में है और ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे ऐसे इंग्लिश मीडियम में भी पूरा इमेज के साथ साथ इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो ये रहा आपका जो बोल सकते हो कि ये किताबें हैं, किताबों का जो मैंने आपको डेमो दे दिया है वो आप डेमो देख सकते हैं। इस कोर्स से जुड़ने के लिए आप यहाँ पे परीक्षा प्लस ऐप पे जाएंगे और मात्र 899 में ये सारी चीजें मिलेंगी। बाकी कोई भी डाउट अगर आपका है तो वो डाउट आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपके पूरे कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। बट मैं आपसे आशा करूंगा कि आप लोग एक बार पुनः टीम परीक्षा प्लस में बहुत अच्छा विश्वास जताओगे, कोर्स से जुड़ोगे और हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी ऐसी तैयारी करवाएंगे कि कोई भी रोक नहीं पाएगा आपको सिलेक्शन लेने से। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।